दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो, हमारी भारतीय टीम अभी साउथ अफ्रीका दौरे पर है, जहां हमारी भारतीय टीम को इस सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 3-7 जनवरी 2024 को खेलना है। और इसी बीच बीसीसीआई ने 3 T20 मैचों के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम के स्क्वाड को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। बीसीसीआई की बैठक में अफगानिस्तान टीम के खिलाफ खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने फाइनल स्क्वाड घोषित कर दिया है। और बीसीसीआई ने ये भी बता दिया है कि अफगानिस्तान टीम के खिलाफ कौन भारत की कप्तानी करने वाला है, क्योंकि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा सहित भारतीय स्क्वाड में 4 दिग्गजों की वापसी करा दी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिरकार बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए किन किन विस्फोटक खिलाड़ियों को मौका दिया है, और इस सीरीज का पहला मुकाबला कब और कहां कितने बजे से खेला जाएगा, और इस मैच को आप किस चैनल पर लाइव देख सकते हो, बताएंगे सब कुछ आपको पूरी डिटेल्स के साथ इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो, भारतीय टीम इस समय साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेल रही है, और इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 3-7 जनवरी को खेला जाएगा। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खत्म होने के बाद भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज का पहला T20 मैच 11 जनवरी 2024 को शाम 7 बजे से मोहाली में खेला जाएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले भारतीय टीम की ये आखिरी T20 सीरीज होगी। ऐसे में बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट के पास टीम कॉम्बिनेशन और T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से अहम चीजों को ट्राई करने का ये आखिरी मौका होगा। यही कारण है कि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जा रही है, इसलिए बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए रोहित शर्मा को ही कप्तान बनाया है। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा ही कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम के चयनकर्ता रोहित शर्मा को ही भारतीय टीम की कमान सौंपना चाहते हैं, इसलिए बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा को ही भारतीय टीम का कप्तान बनाया है। वहीं आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद से कोई भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, लेकिन अब रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से T20 क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान को कुचलने के लिए कौन कौन से भूखे शेरों की वापसी टीम में होने जा रही है। सबसे पहले बात करें ओपनिंग बल्लेबाजों की, तो बीसीसीआई ने 3 ओपनिंग बल्लेबाजों को मौका दिया है, जिसमें पहला नाम कप्तान रोहित शर्मा का आता है। और जैसे कि आप सभी जानते हो, रोहित शर्मा बहुत ही ज्यादा खतरनाक और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज है। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में आपने रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाजी करते जरूर देखा होगा। और आपको बता दें कि रोहित शर्मा भारत की तरफ से सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी है। उन्होंने 148 मुकाबलों में 3853 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 4 शतक भी निकले हैं। और रोहित शर्मा सबसे तेज 35 बॉल में शतक भी लगा चुके हैं। रोहित शर्मा के बाद दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ को दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ भी अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ T20 सीरीज में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं, जिसे देखते हुए बीसीसीआई ने ऋतुराज गायकवाड़ को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में शामिल कर लिया है। वहीं तीसरे ओपनिंग बल्लेबाज की बात करें तो यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया है। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ऐसे खिलाड़ी है जो शुरू के ओवरों में आकर काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल अभी तक T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी है। अब इसके बाद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 4 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जिसमें सबसे पहला नाम विराट कोहली का आता है। और जैसे कि आप सभी को पता है, विराट कोहली भी काफी लंबे समय से T20 क्रिकेट नहीं खेले हैं। विराट कोहली ने भी वर्ल्ड कप 2022 के बाद से एक भी T20 मैच नहीं खेला है, लेकिन अब विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वापसी करते नजर आने वाले हैं। दोस्तों विराट कोहली को टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और इसीलिए बीसीसीआई ने 2024 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए विराट कोहली की वापसी करा दी है। इसके बाद सुरेश अय्यर और सूर्य कुमार यादव को भी इस सीरीज में मौका दिया गया है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव तो T20 क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज है। वही चौथे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में रिंकू सिंह को मौका दिया गया है, क्योंकि रिंकू सिंह लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी वजह से रिंकू सिंह को T20 वर्ल्ड कप 2024 के नजरिए से इस अहम सीरीज में मौका दिया गया है। इसके बाद बीसीसीआई ने ईशान किशन और जितेश शर्मा 2 विकेटकीपर बैट्समैन को अपने स्क्वाड में शामिल किया है, और ये दोनों ही काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, खासकर जितेश शर्मा एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। इसके बाद बीसीसीआई ने रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को ऑलराउंडर के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया है। इसके बाद बात करें स्पिन बॉलिंग की, तो बीसीसीआई ने 2 बॉलर को शामिल किया है, जिसमें कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई का नाम शामिल है। और अब बात करें इस सीरीज के फास्ट बॉलिंग यूनिट की, तो इसमें 4 नाम शामिल है, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, दीपक चाहर और आवेश खान को स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये रहने वाला है अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों के लिए भारतीय टीम का ऑफिशियल स्क्वाड।